सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहा है अभिषेक झा से पूछताछ हुई समाप्त। तकरीबन 12 घंटे तक अभिषेक झा से पूछताछ हुई है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा आज ईडी कार्यालय में अभिषेक झा के साथ पूछताछ हुई है। सीए सुमन कुमार सिंह से और अभिषेक झा को आमने सामने बैठाकर ईडी ने सवालों के बौछार किए हैं और 12 घंटे के बाद अभिषेक झा से पूछताछ समाप्त हुई है। तो तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद अभिषेक झा निकले हैं ईडी कार्यालय से। आपको बताया कि सुमन कुमार सिंह और अभिषेक झा से पूछताछ हुई है। दोनों से अलग अलग पहले कमरों में पूछताछ हुई, फिर एक साथ दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। तो 12 घंटे तक अभिषेक झा से पूछताछ हुई है ईडी कार्यालय में। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, 12 घंटे तक अभिषेक झा से पूछताछ हुई है, हालांकि ईडी को पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिल रही है यह बता पाना बहुत मुश्किल है, मगर जिस तरह से पूछताछ हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी के हाथ को सुराग लगे, क्योंकि 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। देखिए बिल्कुल साहिब, जिस तरह से पूछताछ की गई है, पूछताछ के दौरान सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक लगभग 12 घंटे से घंटे तक जो है अभिषेक झा से पूछताछ हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि अभिषेक झा के चेहरे पर साफ तौर से शिकन दिखाई दे रही थी, महसूस हो रहा था उसे कि उसने जो आज ये कारनामा किया है वो उससे बचने वाले नहीं है। शायद यही वजह है कि मीडिया से बचते हुए वो अपने आप को वहां से फरार होने ही वाजिब समझा। भागने के लिए ईडी ऑफिस कार्यालय के ठीक बगल में इसके दूसरे घर का सहारा लिया और दूसरे घर के दीवार को फांद करके फिर दूसरे तरीके से दूसरे रास्ते से चोरी छिपे भागने की कोशिश की, तो भी न्यूजपेपर भारत की कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। जिस तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से अभिषेक झा अपनी गाड़ी में सवार होकर के वो जाने की फिराक में है और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालांकि इस दौरान वो बातचीत तो नहीं की है, लेकिन इतना तो साफ है कि अभिषेक झा से जितनी पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान जो शिकन उसके चेहरे पर थी, जो तनाव उसके चेहरे पर था, वो साफ तौर से देखने को मिल रही थी। शायद यही वजह है कि अपने पाप को छुपाने के लिए वो मीडिया का सामना नहीं कर पाए। वो जान रहे थे कि कई सवाल है जो ईडी ने जितने सवाल पूछे हैं उसे कई गुना ज्यादा तेज तरार सवाल जो है वो मीडिया की तरफ से भी पूछा जाएगा। शायद उनके जवाब उनके पास नहीं मिलेंगे और शायद उनके पास ये सारी जवाबें नहीं होंगी, इसलिए वाजिब होगा कि वो मीडिया से छुपते छुपाते हुए मुंह छुपाते हुए दूसरे रास्ते का सहारा का इस्तेमाल करें और चोरी छुपे वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझे। हालांकि बातें ये भी कही जा रही है कि ईडी फिर से तलब कर सकती है अभिषेक झा को और फिर से बुलाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से आज सुमन से पूछताछ की गई, अभिषेक झा से पूछताछ की गई, आज दिन भर एक तरह से कहें तो ईडी ऑफिस के बाहर जो है वो गहमागहमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कई बार मीडिया को चकमा देने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसमें अभिषेक झा सफल नहीं हो पाई है। अब पूरे मामले में देखना होगा कि आगे किस तरह का रुख जो है ईडी का होता है। तौर पर इमरान, जिस तरह से अभिषेक झा भागता हुआ नजर आया है, भागने की आवश्यकता नहीं थी, उसे मीडिया को फेस करना चाहिए था और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।